नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, इन दिनों पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए सुरक्षा महीना भी मना रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी में हर रोज खतरनाक सफर यहां हर दिन होता है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा रोडवेज में हर रोज स्कूली छात्र व कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नियमित रूप से रोडवेज बसों में लटक कर जाते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी है। जैसे ही बस स्टैंड पर बसें आकर रुकती हैं, बच्चे खिड़कियों और छतों पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट देकर सफ़र कर रहे हैं, उनको भी नहीं उतरने देते। चलती बस पर दौड़कर लटकने का यह नज़ारा देखकर अन्य वाहन चालक और आसपास के लोग छात्रों से ज़्यादा प्रशासन की व्यवस्था को कोसते हैं, क्योंकि ना ही रोडवेज विभाग व ना ही पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर पा रहा है। आखिर इन्हें रोकने वाला है कौन? शहर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, विद्यापीठ यानी JCD विद्यापीठ, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय व अन्य कई कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी रोज अलग अलग गाँव में से रोडवेज बसों पर लटक कर या छतों पर चढ़कर सिरसा पहुँचते हैं। बसों में सीटें सीमित होती है, ज़्यादातर विद्यार्थी अंदर खड़े रहते हैं। पूरी दिन यही प्रक्रिया चलती रहती है। शहर के अंदर से गुजरने वाली बसों पर भी विद्यार्थी दौड़ कर चढ़ते हैं। इसी दौरान आसपास खड़ी पुलिस भी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा HSSC की परीक्षाओं के लिए यानी क्लर्क भर्ती के लिए जो 3 दिन की परीक्षा थी, इन बसों पर हजारों बच्चों ने इस दौरान सफ़र किया और बसों का नज़ारा देखने वाला था, चाहे ये सफ़र दिन का हो या रात का। जहां तहां परीक्षार्थी लटक कर जा रहे थे। दूर से आए हुए परीक्षार्थियों ने तो एक दिन पहले से ही सफ़र तय कर लिया था। दिक्कतें केवल यही नहीं रुकी, बल्कि होटलों और धर्मशालाओं में जगह नहीं बची थी। कई धर्मशालाओं में तो एक ही हॉल में सैकड़ों बच्चे एक साथ सोए। दिन भर से थके हारे वे लोग जहाँ भी जगह मिली सो गए। परीक्षा केंद्रों पर नकलने लगे, इसके लिए भले ही सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हों, लेकिन परीक्षा देने के लिए दूर से आने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आपको बता दें कि इस तरह की इन परीक्षाओं के कारण अलग अलग शहरों में कई हादसे हुए। सड़क हादसों में कई लोगों की जान भी चली गई। हर चौक चौराहों पर पुलिस भी तैनात होती है, परंतु किसी को छतों पर चढ़ने के लिए नहीं रोका जाता। हमारे पास कुछ वीडियो हैं जो आज वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि सफ़र जो भी हो, देरी से करें या फिर जल्दी करें, लेकिन आपका सफ़र सुरक्षित हो। अगर ज़िंदगी बचेगी तो सब कुछ तय है, पढ़ाई भी होगी और नौकरी भी मिलेगी। मगर ज़िंदगी को दांव पर लगाए कर किया हुआ सफ़र आपको कहीं बीच मझधार में ना छोड़ दे, इसलिए सुरक्षित रहें, सचेत रहें। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं हरियाणा क्लर्क के, और भाई देख कितने मारा मारी सरकार, 200-300 किलोमीटर दूर दे रही है, और दिल्लो भाई वोटिंग ने भाई बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इतनी पीछे आ रहे हैं, आके पीछे देख भाई साइड में ये लाल बैग वाला कितना गिर सकता है बिल्कुल, और पूरा भरी पड़ी है ऊपर से नीचे तक। अरे देखो, अगर पेपर बिल्कुल इसके हिम्मत नहीं, कोई तगड़ा सा झटका लग जाए नीचे गिर जाएगा भाई। इतनी बेरोजगारी है भाई देख लो, इतने टाइट ऊपर पकड़ के खड़ा है। अब क्या कह सकते हैं हम इसमें, हरियाणा सरकार अगर पेपर दूर दे तो भाई प्रबंध भी तो कर दो, बस ज्यादा चला दो जी।